अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में प्लेन्स कोड कटिंग करना दिखाएंगे। इसको जोधपुरी भी कहते हैं। तो इसका लेंथ है 29 इंची और ये थोड़ा डिजाइन की रहेगी, बैंड कॉलर रहेगी लेकिन हाफ कॉलर रहेगी और सामने यहाँ पे 4 इंची गैप रहेगी, इसमें बटन नहीं रहेगी। इसका 29 इंची लेंथ है और 19 इंची शोल्डर है, 25.5 इंची आस्तीन का लेंथ है और 12 इंची क्योनी है, 9.5 इंच इसका आस्तीन का मोड़ी है, 39 इंची इसका पेट है और 39 इंची सीना भी है, 42 इंची हिप है। ठीक है, ये फिटिंग में बनेगी। तो इसमें जो सीधा का हिस्सा है मैं अंदर में रख लिया हूँ, उल्टा का हिस्सा बाहर रख लिया हूँ, दो पल्ला हम इसको बैठा लिए। हम यहाँ पे पहले सीधा मार्क लगाएंगे, और यहाँ पे कम से कम 2 इंच 2 इंच मार्जिन रखेंगे। और यहाँ पे हम किनारी छोड़ करके यहाँ पे हम मार्जिन रखेंगे 2 इंच और यहाँ पे भी 2 इंच रखेंगे। अब इसका लेंथ नापेंगे। उनतीस इंच है तो 29 इंच पे हम ये मार्क लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1.5 इंच का मार्क लगाएंगे। 39 इंच सीना है तो 10.25 इंच पे मार्क लगाएंगे और यहाँ से 1.5 इंच ऊपर लगाएंगे तो हम 2 इंच लगाएंगे, क्योंकि ये आर्मोल फिटिंग रहेगी। और ये 17 इंची पे कमर का मार्क लाएंगे। हम ये सारे मार्क को हम सीधा कर लेंगे। हमने यहाँ पे 2 इंच का मार्क लगाया है, यहाँ पे हम 2 इंच का मार्क लाएंगे। और यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्क लाएंगे। ये स्केल से हम इस तरह सेप देंगे इसको, उसके बाद यहाँ पे इस तरह। गले के लिए 3 इंच देंगे, बैक गले के लिए, और यहां से 1.25 इंच ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद 10 इंची देंगे तो ये हाफ 9.5 इंच आती है, 19 का 10 इंची देंगे, इतना मार्जिन में जाएगी। इसमें अंदर के हिस्सा में शेप देंगे। यहां से नाप लेंगे, 12 इंची आ रही है तो यहाँ पे हम 11 इंची देंगे, ज्यादा फिटिंग रहे तो ज्यादा अंदर ही देंगे तो सही है। यहाँ पे हल्का इस तरह से देंगे, यहाँ पे 6.5 भी तैयारी आए चलेगी, 6.25 आ रही है तो चल जाएगी, कम ज्यादा जो भी करना रहे तो हम आगे हिस्सा में कम करेंगे। और यहाँ पे 7 इंच रखेंगे। यहां से हम इस तरह मार्क लाएंगे, उसके बाद यहां से इस तरह मार्क।
चाक पट्टी के लिए हमने मार्क लगाए हैं, एक अंदाज से 2 इंच है, 8.5 इंच पे चाक पट्टी रहेगी, उसके बाद इतना मार्जिन रहेगी। यहां से हम उसको गले की गोलाई कर लेंगे, थोड़ा सा 1 पॉइंट नीचे कर लिया। ठीक है, ये बैक कटिंग हो गई है, सामना पल्ला कटिंग करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे है ना, थोड़ा सा 1/2 इंच कपड़ा ज्यादा रखेंगे और ये कपड़ा को हम पहले सीधा करेंगे। सीधा 17.5 इंच आएगी, यहां सीधा मार्क लगा लेंगे। अब ये पॉइंट से, ये मार्क से 1/2 इंच नीचे के हिस्से में उतारेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस तरह बीच में रख करके दोनों तरफ से मार्क उठा लेंगे। ये कपड़ा हटा करके अब ये सारे मार्क को हम सीधा कर लेंगे। थर्टी नाइन चेस्ट है तो इसका कंप्लीट तैयारी 2 इंच इसमें लूजिंग रखेंगे, 2 से 3 इंच। हम ऐसा ना पहनेंगे, यहाँ पे 1 इंच कम करेंगे क्योंकि बीच में कम से कम ना भी तो यहाँ पे 3.5 इंच का गैप आना चाहिए सामने, तो यहाँ पे 1.5 इंच ही बात करके हम इसको चेस्ट का नाप नापेंगे, 39 इंची चेस्ट है तो 39 का 10.5 इंच रहेगी और ये 1 इंच माइनस करेंगे और यहाँ पे 10.5 देंगे, यहां से 1.5 इंच रहेगी। ठीक है, उसके बाद ये 20 सेंटर का देख लेंगे कितना रही है, 8.25 रही, ये 8.25 यहाँ पे मार्क लगाएंगे। ये 20 सेंटर और ये 20 सेंटर रख करके यहां तक मार्क लगाएंगे। उसके बाद यहां से हल्का शेप देंगे, यहां से ऐसे नापेंगे, 1.5 इंच हमने बात दिया है, 9 इंच आ रही है, इसका हाफ करेंगे तो 4.5 आएगी, तो 4.5 यहां से भी हम 1.5 इंच बात करके ये 4.5 इंच पे इस तरह मार्क लाएंगे। उसके बाद ये मार्क से हम 2 इंची
पहले की गोलाई देंगे। ये हाफ कॉलर रहेगी सामने और बैक पल्ला इस तरह लेंगे। यहां से इस तरह मार्क लगा लेंगे। यहां से ऊपर के हिस्सा में शेप देंगे। यहाँ पे पौन इंच ज्यादा दिए हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट से हम मार्क लगा लेंगे। अब इसको इस तरह गोल कर लेंगे। और यहां से बीच में 1 इंच ही कपड़ा निकालेंगे। यहाँ पे चेस्ट के पास तैयारी कितना आ रही है, 7.5 आ रही है। यहाँ पे 6 आएगी, यहाँ पे 6.5 आएगी। तो पहले हम निकाल लेंगे कितना बैक में 7 इंच आ रही है। सात इंची और ये 1 इंच गैप देंगे तो टोटल 3 इंची गैप आ जाएगी। उसके बाद ये 16 इंची आ रही है। उसके बाद यहां से रखेंगे 39 इंच है तो हम इसमें 41 इंच करेंगे। तो 41 में 3 इंची माइनस करेंगे तो आएगी 38 आ रही है। ये 38 आ रही है, ठीक है। ये 40 इंची का हम मार्क लगाएंगे। यहाँ पे फिटिंग में टोटल 36 इंची रहेगी, यानी ये 39 इंच है ना, तो सामने से 3 इंची यहाँ पे हम गैप छोड़ेंगे तो टोटल दिखने में 4 इंची आएगी। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 6 इंची है बैक है, ठीक है। छह इंची बैक है तो यहाँ पे 6 इंची और यहाँ पे भी 1 इंची देंगे या 1 इंच छोड़ेंगे। और ये 14 इंची, 14.5 इंची यहाँ से मार्क लाएंगे, ठीक है। तो 36 है तो 37 इंची पे मार्क लाएंगे। और 42 इंच है तो यहाँ पे कम से कम 6 इंची गैप रहेगी। ये शेप कुछ इस तरह हमने शेप बनाया, ये शेप इस तरह दिखेगी। ये चेस्ट का मेन मार्क हुआ, ठीक है। उसके बाद ये चेस्ट का इतना 4.5 इंच, तो यहाँ पे आ रही है गैप 1.5 इंच, यानी 3 इंच का गैप आएगी यहाँ पे। यहाँ पे इस तरह से बनेंगे पहले, यहाँ इसको हाफ करते तो 2.25 इंच आ रही है, तो यहाँ पे 2.25 इंच देंगे इतना, ठीक है। उसके बाद यहां से 15 इंची पे शेप देंगे। ये 15 इंची का शेप हमने इस तरह दे दिया। उसके बाद यहां से शेप कुछ इस तरह देंगे। यहाँ पे 1.5 इंची, 2.25 इंची रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो कोट का शेप आती है उस तरह शेप रहेगी।
मतलब यहाँ से ज्यादा शेप नहीं दिखेगी, लाइट शेप दिखेगी। हम इसको मिला लेंगे। अब हमें यहाँ पे 38 चाहिए और यहाँ पे 36, 35 आ जाएगी, चल जाएगी, और यहाँ पे 38 चाहिए। तो यहाँ पर का नाप हमने तो लगाया था, परफेक्ट है। यहाँ पर का भी परफेक्ट है, नीचे का लगाएंगे। 6.5 आ रही है, तो ये मार्जिन लगा के, और यहाँ पे 12.5, ये 38 आ रही है, ठीक है, 38, और यहाँ 1/2 इंच मार्जिन रखेंगे, थोड़ा कम भी रहेगी तो चल जाएगी। यहाँ से इस तरह हम इसको सेव लगाएंगे, यहाँ से इस तरह हम इसको मार्क लाएंगे, उसके बाद ये इस तरह इसको हम मिला लेंगे, या इसको थोड़ा कम कर लेंगे। यहाँ से चाक पट्टी के लिए 8.5 इंच देंगे। ठीक है, अभी इसको हम थोड़ा 1/2 इंच मार्जिन, 1/4 इंच मार्जिन रख करके हम इसको कट करेंगे। ठीक है, ये सामने में कम से कम यहाँ पे 3 इंची ओपन दिखेगी, ऐसा दिखेगी बनने के बाद, सामने का ऐसा डिजाइन रहेगी बनने के बाद।